देखो अभी टाइम हुआ है 11:16 और हमें पहुंचने में लगेंगे 3 hours 11 minutes, पहुंच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं ईशा। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर, हमें करवाना है अपना पासपोर्ट रिन्यू, और जिसके लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ता है, कम से कम 200 किलोमीटर है और यहाँ से है 200 किलोमीटर, क्योंकि आसपास कोई सेंटर नहीं है तो हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि आज बारिश भी है। आपको दिखाते हैं हमारे शहर का हाल। ये देखो रास्ते में कितना सारा पानी खड़ा है। ओह माय गॉड, ये कौन सा गांव है? कोटपाई। ये है कोटपाई, देखो कितना पानी खड़ा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं रास्ते में कितनी की बारिश है या नहीं। वैसे तो फिलहाल तो अभी बंद है, लेकिन जब हम घर से निकले थे तब काफी थी। वैसे इस टाइम बारिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो खेतों में फसलें पक के बिल्कुल तैयार हैं, और अगर इस टाइम पे बारिश होती है ना तो किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और वैसे भी अभी बाढ़ वगैरह फ्लड वगैरह आए थे, तो वैसे भी किसानों को बहुत लॉस हुआ, तो इसलिए इस बार बारिश नहीं होनी चाहिए। इस टाइम तो कम से कम बारिश ना हो। ये देखो मंडियों में भी सारा अनाज पड़ा हुआ है, इसलिए बारिश नहीं होनी चाहिए। देखो अभी टाइम हुआ है 11:16 और हमें पहुंचने में लगेंगे 3 hours 11 minutes, पहुंच जाएंगे। बताओ पहुंच जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये देखो 2:26 में पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंच जाएंगे, और 2:30 का वो है, 2 मिनट सीढ़ियां चढ़ते, 2 मिनट पार्किंग में, और जब 10 सेकंड रह जाएंगे ना वो काउंटडाउन घड़ी पे देख रहे होंगे, 10, 9। ईशा की फाइल तो आज फेंक ही देंगे। हाँ। तुम फिर डाइव मारना एकदम, डाइव करके सर मैं आ गई हूँ। मेरा पासपोर्ट यही रख दो, मैं आ गई सर, रुको रुको। मूवीज में होता ना वो जज ऑर्डर करने वाला होता है कि आपका गवाह आने में 5 सेकंड बाकी है, सारे टाइम पे होता है 2 सेकंड में दरवाजा खुलता है हीरो की एंट्री, लाइक दैट पूरे 2:30 वाले तुम्हारा टाइम स्लॉट जाते ही वो एकदम आना कि रुक जाओ यही रोक दो ये कलम। वैसे अगर निशाद पासपोर्ट लेके जाएगी लेके जाएगी, नहीं अगर लेट हो जाए तो वो देते हैं? नहीं देते, उनकी नंबरिंग उनकी वैसे चलती रहती है, अगर कोई मिस हो गया तो अपॉइंटमेंट मिस तो मिस, फिर अगली बार दोबारा अपॉइंटमेंट लेके जाओ, अच्छा दोबारा लेके जाओ, और अगली अपॉइंटमेंट मिलेगी 3-4 महीने के बाद। ओके चलो, इतनी वेटिंग चल रही है, क्या पता पहुंच ही जाए टाइम पे हम। ओटीपी, हां एक मिनट होल्ड करें जी, मेरा कुरियर भी आ गया, ये जो OTP है कुरियर वाले को ही दे रहे हैं, मैं 2 दिन से अपने कुरियर का वेट कर रही थी, लेकिन आज हमारे जाते ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, आज मैं मम्मी या पापा वो उनको रिसीव कर लेंगे मेरा कुरियर। 43 37 भाई जी, 37 आ गया कोई? चलो ठीक है जी, धन्यवाद। आ गया कुरियर? कौन सा शहर है ये? अभी तक कोटकपुरा ही घूम रहे हैं हम, पीछे भी कोटकपुरा था। ओके अब हम चढ़ने वाले हैं हाईवे पे, तो हाईवे से ये होगा कि जो जितनी भी ट्रैफिक है इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा और हमारा टाइम भी सेव होगा। हाईवे का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें शहर में नहीं घुसना पड़ता। शहर से निकल के आए हैं अभी। हाँ तो अब जब हम हाईवे पे चढ़ेंगे तो फिर थोड़ी शहर के बीच में घुसेंगे। अभी शहर के अंदर से होके आए हैं। हाँ तो जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो फिर थोड़ी जाएंगे हाईवे। पूरा शहर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आगे तो नहीं आएगा ना? वो निकल चुका, आगे क्यों आएगा? क्या? मैन। बड़े। पूरा शहर निकल के आए हैं। कोई ना। वो देखो। दोस्तों जो अभी आपने वीडियो देखा था पूरे ट्रैफिक वाला वो इसी शहर का था। आगे भी तो शहर आएंगे ना, आगे नहीं आएंगे? ये हाईवे है,
बड़े है, यहाँ पे लिखा अमृतसर 149। हितेश का फोन आ गया। अब हम पहुंचे हरी के, हरी की पहुंची है ना, जीरा भी आ गया, जीरा आ गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी से धक्का किया जा रहा है। नहीं बोलो, फेवरेट है मेरा, बोलो फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। ये कोई बात नहीं है, मेरा फेवरेट है काजल। इसका फेवरेट है काजल, बहुत गलत बात है। देखो धमकाने का भी कोई असर नहीं होता है। काजल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले ये बताओ। काजल काला होता है, ब्लैक पेन से लगा लो आईज। स्केच कलर रे क्रेयॉन ना बोल लो। काजल क्या कहते हैं काजल को इंग्लिश में बताओ, तुमने लगा। पता नहीं, मैं गूगल में सर्च करती हूं अभी। हिंदी में क्या बोलते हैं काजल? उर्दू में क्या बोलते हैं? सुरमा। चुप कर। उर्दू में सुरमा ही कहते हैं। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूं। पाकिस्तान डालते नहीं है। डालते हैं। बंगाली में क्या बोलते हैं? यार मैं लैंग्वेज थोड़ी क्रिस्टी होती है, वो बता भी देते हैं। उसको आ देते हैं। स्पेनिश मुझे नहीं आती है। ठीक है, मैं याद कर रखूंगी आगे से कि काजल को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है ये। सुपर हिट सॉन्ग है ये। ठीक है, ट्रॉली वालों के लिए ना अलग सड़क होनी चाहिए। बराड़ों का ट्रैक्टर है, हमें नहीं बोलना। बराड़ों का ट्रैक्टर कोई चाचा राय अड़ता ही होगा इसके साथ। नहीं बोलती। ट्रैफिक देखो कितनी वो कर दी है इसने। बस दो मिनट रुक जा, अभी जिग जैग ज़ूम करने वाले हैं। और यस पठानकोट मिल गया मेरा। मेरी सिटी पठानकोट, ये रोड सीधा पठानकोट को जाएगा। देख रहे हो जैसे जैसे पठानकोट आ रहा, मौसम चेंज हो रहा है। पहाड़ की बात नहीं है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है मुझे। देखो एसी चल रहा है कार का, आप विंडो खोल के देख लो, फिर भी ठंडी हवा आएगी। अब मेरे शहर की हवा ऐसे थोड़ी है, ऐसे ना बोलो। अब हम एंटर कर चुके हैं गुरुओं की धरती अमृतसर। पता अमृतसर का पुराना नाम क्या था? पता आपको है, मैं कर रही हूँ। अमृतसर का पुराना नाम है रामदासपुर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गुरु हैं रामदास, उन्होंने बर्थ हुआ था उनका यहाँ पे, तो उसी के नाम पे ये शहर है। अब चेंज हो के इनका इसका नाम अमृतसर हो गया है। और जो हमारा हरमंदर साहिब है, गोल्डन टेंपल, उनका भी नींव पत्थर गुरु रामदास जी ने रखा था। और जो उसका वर्क स्टार्ट किया था वो किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। वो देखो गेट, और ये गेट हमारे अमृतसर की खूबसूरती को और बढ़ाता है। और आज तो वैसे भी मौसम इतना अच्छा है ना, वो देखो। इस गेट के ऊपर बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये गेट अमृतसर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है।
सतनाम वाहे गुरु। हम पूरे टाइम पे पहुंचे हैं पासपोर्ट ऑफिस और रश देखो यहाँ पे कितना सारा है। अब देखो हमारी टर्न आती है या नहीं आती। अमृतसर में पासपोर्ट ऑफिस ऊपर है स्टेयर चढ़ के और मैं अपने फोन को कर रही हूँ यहाँ पे बंद। ये फोन आउट अलाउड है, बाद में थोड़ा सा तो लगेगा ही। One hour later. काम यहाँ पे हो गया है पासपोर्ट ऑफिस। मेरा नंबर पहले था इसलिए मेरा जल्दी हो गया, लेकिन बाहर हम दोनों साथ में ही आए हैं। इनका नंबर काफ़ी बाद में था, लेकिन चलो जो भी है अब हमारा काम हो गया है। बाकी वेरिफिकेशन का काम है वो तो बाद में होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिस का काम था पासपोर्ट ऑफिस का वो हो गया है। तो हमारा पासपोर्ट का काम हो चुका है और अब हम कहाँ जाएंगे? लिखा तो कहीं पे भी गेट के नीचे रखी है, डिक्की में थोड़ी रखी है। गेट कहीं के गेटों की कमी है दुनिया में। जा रहे हैं अल्फा मॉल अमृतसर और ये मेरा यहाँ पे सेकंड विजिट है। एक बार बहुत पहले आई थी मैं। झूले देख के क्रिस्टी खुश हो जाती है, पर है बंद है। क्या बात है, बड़ी रैली है। क्या ही बात है, पठानकोट के पास पहुंच गए, इसीलिए हरियाली है। अभी चुप कर, पठानकोट का नाम सुनते ही देखो। ससुराल का नाम सुन के खुश हुआ आज तक कोई? क्यों नहीं हुआ, तुम हुई? क्यों नहीं होती, मैं खुश होती हूँ, क्यों नहीं होती अपने ससुराल का नाम सुन के? स्वामी ससुराल ना हो, राधा स्वामी ससुराल ना हो, पीनी चाय नहीं बंदा ऑफर तो करे। शरीफ है बेचारे, मैं क्या पता मैंने ही मना किया हो कि ऑफर भी नहीं करनी। ये बढ़िया होता है, फिर मैं तो फिर बोलूंगा ही ना। हाँ ये है अमृतसर का अल्फा मॉल। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कॉफ़ी पी, मैंने सिर्फ कॉफ़ी ली क्योंकि मेरा है आज नवरात्रि का फास्ट और मैं यहाँ पे बहुत बोर हुई। हाँ अगर अलेक्सिस मेरे साथ होती तो हम इतना फन करते यहाँ पे, लेकिन वो है अपनी स्कूल की वजह से, उसने आज छुट्टी नहीं की। ये कर रहे हैं यहाँ पे बातें और मैं छोटी सी वीडियो बना रही थी यहाँ पे। और अगर अलेक्सिस होती तो मैं ये राइड उसको पक्का करवाती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अमृतसर से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए अब हमें लगी है थोड़ी सी भूख। अब हम रास्ते में देख रहे हैं कि कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट आए। चलो चलो, हाल होते फैमिली। हाँ नहीं, हाँ दे आप अंकल।
मेरा है फास्ट तो मैंने लिया चाय और इन्होंने भी चाय ऑर्डर की, क्योंकि कहते हैं अगर तूने नहीं खाना तो मैंने भी नहीं खाना, और वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लेट भी काफ़ी हो चुके हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ टी ब्रेक लिया। मेरी छोटी सी मिस्टेक से हमने पकड़ लिया है गलत रास्ता, क्योंकि हम बातों में इतने बिजी हो गए कि हमें पता नहीं चला कि कौन सी रोड पे जाना है। ये टूटी फूटी रोड, गड्ढे खड्डे, पता नहीं क्या क्या है इसमें, और ऊपर से बारिश। बट अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर और हमारा क्रिस्टी बहुत वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और वो सोई भी नहीं, अभी तक फोन आया था उसका, इसलिए बाय बाय, गुड नाइट।